अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुमताज न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा। आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज HD चैनल। आज की अहम खबर शामिल करते हैं। सीनियर सहाफी मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वैलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया। ऐलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कैंसर हॉस्पिटल की मौजूदा साइट का जायजा लिया। इनको कैंसर हॉस्पिटल की साइट से मुतालिक ब्रीफिंग थी। मरियम नवाज ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की और मरीजों के जिम्मेदारों के लिए होटल बनाने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगु करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि कैंसर हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम 5 मार्च से शुरू की जाएगी। रमजान रोशन पैकेज में 10 किलोग्राम आटा जबकि चावल, चीनी, घी, बेसन 2 किलो होंगे।